बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सिंधी पुलाव। ये मेरे मरहूम नानी की रेसिपी है जो वो हमारे लिए बनाती थी बड़े शौक़ से, और हम बहुत इसको पसंद करते थे। और आज उसी तरह मेरे बच्चे भी इसके फरमाइश करके मुझसे बनवाते हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी है। इसका नाम मेरी नानी ने ही रखा था, जो हम लोग अभी तक इसी नाम से कहते हैं, सिंधी पुलाव। तो शुरू करते हैं। पहले मैं लूँगी एक पैन, इसमें डालूँगी 1/3 कप, मतलब आधे कप से ज़्यादा ऑयल। और अगर आप देसी घी या घी में बनाना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर 3 अदद दरमियाने साइज़ का, मैंने इसे अच्छे से चॉप किया है। और मैं इसको डाल के मिलाऊँगी और थोड़ा सा इसको अच्छे से गर्म होने दूँगी। थोड़ा गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डालूंगी ब्राउन प्याज 2 खाने के चम्मच। और अगर आपने ब्राउन प्याज यूज़ नहीं करना, फ्रेश प्याज लेना है, तो आप 3 अदद प्याज लेके दरमियाने साइज़ के उसे ब्राउन करें, फिर टमाटर ऐड करें। मेरे पास ब्राउन प्याज है, टाइम की बचत के लिए मैं ब्राउन प्याज यूज़ करी। तो मैंने इसको डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाना है और मिला के हल्का सा भूनना है। उसके बाद मैं इसमें डाली हूँ हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैं 3 अदद ले रही हूँ, और हरी मिर्चें हमेशा मैं पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि हरी मिर्चें को जितना आप कुक करेंगे, पकाएंगे, उतना ही ज़्यादा मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। उसके बाद मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और जिन लोगों को स्पाइस ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मिर्चें खाना चाहते हैं, तो वो हरी मिर्चें 3 की जगह पर 5 से 6 अदद भी डाल सकते हैं। तो मिर्चें ज़्यादा और कम करना आप बड़े आराम से कर सकते हैं, आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। अच्छा जी, ये देखें, टमाटर को मैंने तकरीबन भुना है 4 से 5 मिनट तक। अब आप देख सकते हैं टमाटर नरम हो चुके हैं, और टमाटर अब अच्छे से नरम हो गए हैं। तो अब मैं इस स्टेज में लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 2 खाने के चम्मच भर के। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डालेंगे और डाल के इसको टमाटर और प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। और लहसुन जो है वो हमने अच्छे से भूनना है ताकि लहसुन के कच्चेपन की खुशबू ना आए, तो इसको हम भूनेंगे। अब हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब भूनने के बाद इसमें डालेंगे मसाले, बिरयानी मसाला 1 खाने का चम्मच, कोरमा मसाला 1 खाने का चम्मच भर के, और नमक 1 खाने का चम्मच भर के। ये तीनों चीज़ें 1-1 टेबल स्पून भर के मैं डालूंगी। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चावल है, हर किसी का अपना टेस्ट होता है, कोई कम नमक लेता है, कोई ज़्यादा लेता है। और इसी तरह मसालों की भी बात करूंगी कि मसाले जिन लोगों ने ज़्यादा खाने होते हैं वो इस मकदार को बढ़ा सकते हैं। अगर आप बिरयानी और कौरमा का मसाला के मकदार नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके जगह पर इधर कुटी हुई मिर्चें 1 खाने का चम्मच दे सकते हैं, इससे आपका खाना बहुत स्पाइसी बन जाएगा। चलें जी, अब मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखें, ऑयल अलग हो चुका है मसाले से, इसका मतलब है ये तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमा मैंने 250 ग्राम लिया है। अब इस कीमे को मैं मसाले के अंदर अच्छे से भूनूंगी। कीमे को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे ताकि कीमे का स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए और तमाम तर मसाले जो है इसके अंदर उसका जायका रच बस जाए। तो ये देखें, हमने अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है, और कीमा आपको पता है पानी छोड़ता है, तो इसलिए हम इसको तेज़ आंच पे भूनते रहेंगे तब तक कि कीमा पानी छोड़ना बंद कर दे और मसाला और ऑयल अलग हो जाए, जैसे भुनने पर मसाले से ऑयल अलग हो जाता है। आप देखें, अच्छे से भुन गया है, मैंने तेज़ आंच पे भूनती रही हूँ और मैंने हाथ बिल्कुल नहीं रोका, भूनती रही हूँ। और अब देखें, ऑयल अलग हो गया है और कीमा और मसाला अलग हो गया है, मतलब ये अच्छे से भुन गया है और कीमे के अंदर जितना पानी था वो भी जज्ब हो गया है। तो अब इस पॉइंट पे हम साबुत मसूर की दाल डालेंगे। साबुत मसूर की दाल मैंने 1 कप लिया है, इसको मैंने तकरीबन 1/2 घंटा भिगो के रखा, और अब मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छे से कीमे और मसाले के साथ भूनूँगी। इसी तरह तेज़ आंच पर मैंने इसे भूनना है। ये देखिए, हमने साबुत मसूर की दाल और कीमे को अच्छे से भूनेंगे ताकि हर चीज़ यकजा हो जाए। मसालों को अच्छे से भूनेंगे तो आपका खाना मज़ेदार बनेगा। खाना हमेशा मैं बहुत सादा बनाती हूँ, बहुत कम चीज़ें यूज़ करके, जो चीज़ें घर में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो भी सादा खाना बनाए लेकिन मज़ेदार। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करें। तो ये बन गया है, तो अब इसके अंदर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी में
इतना डालूंगी कि दाल अच्छे से पक जाए। दाल को हमने पकाना है, गलाना नहीं है। तो अब मैं इसको ढकना ढक दूंगी और मीडियम टू लो आंच पे इसको 15 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकने दिया है। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि दाल पका है कि नहीं। तो पानी तकरीबन आधा रह गया है, ये देखें दाल अच्छे से पक गया है। बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो ये देखें बासमती चावल है, 2 कप मैंने भिगोए थे तकरीबन आधा घंटा पहले, तो ये मैं डाल रही हूँ। चावल बासमती में ही मज़े के लगेंगे और टेस्टी लगते हैं। अगर आप सैला यूज़ करते हैं तो सैला आपको 2 घंटे पहले भिगोना पड़ेगा। तो ये अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके इसमें इतना पानी डाल देते हैं कि हमारे चावल अच्छे से पक जाएं। तो ये देखें मैंने अब इसमें पानी ऐड कर दिया है, मिक्स करते हुए डालेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना पानी चाहिए। तो ये देखें ये पानी मैंने डाल दिया है, चावल डिप हो गए हैं। तो बस इतना काफ़ी है मेरे हिसाब से, अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो ये देखें अब चावल में से पानी सारा तकरीबन रस चुका है, अब इसको हम दम पे रख सकते हैं। इस पॉइंट पे आ गया, चावल तकरीबन 3 कन्नी पक चुके हैं, बस 1 कन्नी रह गई है। तो अब हम इसको दम पे डालेंगे। तो दम पे डालने से पहले हम इसके ऊपर डालेंगे धनिया, सब्ज़ धनिया बारीक काट के ये हम डाल देते हैं। इससे चावल में बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। इसमें हम थोड़ा सा कोरमा मसाला डाल देंगे तकरीबन 1 चाय का चम्मच, और इसको दम पे रख देंगे। बेहतरीन चावल पके हुए हैं, बिल्कुल खिले हुए चावल हैं। दाल जैसे हमने बनाना था के पके हुए हों पर गले हुए ना हों, उसी तरह बना है। कीमा भी बेहतरीन बना हुआ है, और अगर आप कीमे की मकदार बढ़ाना चाहें तो आप इसकी मकदार को बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं चिकन के कीमे में बनाएं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो ये बेहतरीन सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, और मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।